सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अपने जियो फाइबर के एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने जियो फाइबर कैसे लगवाया, कहाँ से लगवाया और मेरे को कितना का ये पड़ा, जियो फाइबर कैसे लगा, सब कुछ बताऊंगा। तो गाइस, अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि जियो फाइबर कहाँ से लगवाया मैंने। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस, जियो फाइबर आप किसी भी शॉप पे, लोकल शॉप पे जाओगे आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन परचेज़ करोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो जियो फाइबर कहाँ से मिलेगा? तो गाइज़, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जब मैंने लगवाया था तो उन्होंने पूछा था मेरे से कि आपने जियो फाइबर कहाँ से लगवाया, तो मैंने इनको बताया था। तो मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों हो सकता है नहीं पता हो जियो फाइबर कैसे लगता है, तो मैं बता देता हूँ। गाइज़, आपको अपने माई जियो ऐप में जाना है और वहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा जियो फाइबर का, आपको उस पर क्लिक करना है। और वहाँ पर गाइज़ रजिस्ट्रेशन का, बुक नाउ का एक ऑप्शन आ रहा होगा, बुक योर जियो फाइबर नाउ करके। तो आपको सिंपली अपना फ़ोन नंबर और बिल्डिंग नंबर और कुछ डिटेल्स भर के दे देना है। और नियरली गाइस 5 to 6 आवर्स के अंदर आपको एक इंजीनियर का फ़ोन आएगा कि आपने बुक करवाया है, जो आपके लोकल एरिया में रहता होगा 1-2 किलोमीटर। मेरे तो एक इंजीनियर 1-2 किलोमीटर के रेंज के अंदर रहता था तो वो आ गया था। तो गाइस, वो बुक नाउ बुक करेगा और उसके पास जाएगा और गाइस फिर वो आएगा आपके घर पे और आपकी कुछ डिटेल्स जैसे आधार कार्ड और आपकी एक रियल टाइम सेल्फी लेके जाएगा। और उसके ठीक, और आपको उस समय 1500 रुपये डिपॉज़िट करने हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं, जो जियो फाइबर है इसकी जो प्राइस है ये 6000 है इस बॉक्स की प्राइस। पर जियो फाइबर अभी तो टोटली फ्री लग रहा है और कोई इंस्टॉलेशन चार्ज मेरे को नहीं गया और जियो का बॉक्स भी मेरे को टोटल फ्री पड़ा। और गाइस, काफ़ी अच्छी सर्विस थी। अगर मैं कंपेयर करूँ डेन के मुकाबले, तो गाइज़ मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास डेन है तो वो उनके में टोटल 5000 का खर्चा आया था लगने का और उनका काफ़ी खर्चा आया था गाइज़। तो डेन जियो इस मामले में काफ़ी बढ़िया है। तो इंजीनियर्स आएंगे और ठीक, बुक करने के बाद आप जब 1500 रुपये सिक्योरिटी के डिपॉजिट कर दोगे तो आपके कुछ घंटों बाद आके वो लगा के चले जाएंगे और कोई टैक्स वैक्स आपसे नहीं जाएगा और 1 महीने आप पूरा फ्री इंजॉय कर सकते हो। तो ये तो थी गाइज़ कि मैंने कैसे कैसे लगवाया। अब गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है जियो फाइबर के साथ। तो गाइज़, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जियो फाइबर के साथ बहुत ही बढ़िया था। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइज़, जिन लोगों ने जियो फाइबर पहले लगवाया था और जिन लोगों ने, मतलब जब नया नया आया था तब जिन्होंने लगवाया था और जिन्होंने अभी लगवाया है, तो मैं बताना चाहता हूँ गाइज़ कि जिन्होंने नया नया लगवाया था उस समय जियो फाइबर के बॉक्स में एक ही बैंड था जो कि 2.4 GHz का था, और अब जो लोग लगवा रहे हैं उनके में है 5 GHz का बैंड। जी हाँ, मेरे कॉलोनी में एक फ्रेंड रहता है गाइस, जब मेरा नया नया लगा था तो मैंने उससे पूछा था कि तेरे में 5 GHz की सर्विस है कि नहीं, क्योंकि मेरे में स्पीड बहुत फास्ट आ रही थी। अभी मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा जियो फाइबर का। तो उसके में नहीं था ये, क्योंकि उसने उस टाइम लगवाया था। तो मेरे वाईफाई से दो बैंड निकलते हैं, एक 4G बैंड और एक 5G बैंड। तो मेरा जो फ़ोन है वो तो 5G सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं उसमें 4G बैंड चलाता हूँ और जो मेरा लैपटॉप है वो 5G सपोर्ट करता है गाइस, तो मैं उसमें 5G बैंड यूज़ करता हूँ। तो 5G बैंड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। अगर आप 150 Mbps का प्लान डलवाते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेट 149 Mbps की स्पीड तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर आप वहीं पे, अगर आप 2.4 GHz 4G बैंड यूज़ करते हो तो आपको मिलती है गाइस अराउंड 50 Mbps। 150 Mbps के प्लान में आपको 50 Mbps मिलेगी। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे गाइस आप दो बैंड देख सकते हैं, एक ये 4G बैंड है और एक ये 5G बैंड है। तो अभी मेरा लैपटॉप 5G बैंड से कनेक्ट है तो मैं दोनों से आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको अपने 4G बैंड से स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं 4G कनेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा, स्पीड टेस्ट बाय ओप्लस। अब देख सकते हैं मेरा 4G बैंड कनेक्ट हो चुका है और अब मैं स्पीड टेस्ट बाय ओप्ला स्पीड टेस्ट आपको दिखा देता हूँ करके कितनी स्पीड आ रही है। और इसमें 150 Mbps का प्लान पड़ा हुआ है गाइज, अभी तो ये है गाइज 4G की स्पीड। We will always take a stand for the people, for the land. तो गाइज ये आई है गाइज मेरी 4G की स्पीड, जो कि थोड़ी ज़्यादा आ गई है इस वक्त। वैसे इतनी नहीं आती है, मैं आपको बता दूँ, रात रात के टाइम पे बहुत कम आती है। तो अब मैं आपको 5G वाला कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये 5G कनेक्ट हो गया है और फिर से मैं अब आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये थी गाइस मेरी स्पीड टेस्ट बाय ओकला।
तो गाइस अब मैं फाइनल बात पे आता हूँ कि आप लोगों के लिए जियो फाइबर सही है कि नहीं है। तो गाइस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब मेरे लिए तो जियो फाइबर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि मेरा 2 GB डेटा आराम से उड़ जाता था और मैं रिचार्जेस करवाता रहता था 50 रुपये डाटा ऐड ऑन के। तो उस हिसाब से गाइस जियो फाइबर बहुत ही सही है। और अगर आप सोच रहे हो कि आपकी इनकमिंग कॉल्स बंद हो जाएंगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस। आप जब जियो फाइबर आपका जो इंजीनियर लगा के जाएगा, तो वो आपको एक ऐप इंस्टॉल करवाएगा जियो फोन करके, और जब तक आपका जियो फाइबर में रिचार्ज रहेगा, तब तक आप 0 डायल करके कोई भी नंबर डायल करिए और आपका कॉल लग जाएगा। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मोबाइल में रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसमें भी कराना पड़ेगा, नहीं, आप खाली जियो फाइबर में कराइए और आपकी कॉलिंग की सुविधा पूरी बढ़िया रहेगी। तो जियो फाइबर लगवाना चाहिए कि नहीं? तो गाइज हाँ, आप जियो फाइबर अभी लगवा लो, क्योंकि आपको पता है गाइज स्टार्टिंग में जब जियो के सिम बटे थे तो अंबानी जी ने कितना नेट डोनेट करा था। तो अभी तो ये जियो फाइबर के पास फ्री में लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में इसकी कॉस्ट बहुत हाई होने वाली है, और ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉडबैंड होने वाला है, और इसकी प्राइस अप्रॉक्सीमेट 10,000 होने वाली है। तो अभी तो ये फ्री में लग रहा है, तो जो जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं ले लो, क्योंकि जब इसके यूज़र्स बढ़ जाएंगे तो अब ये फ्री में नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लगवाना चाहिए, अभी काफ़ी ऑनलाइन क्लास और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, मेरी भी ऑनलाइन क्लास में काफ़ी हेल्प करता है, और नेट भी काफ़ी अच्छा चलता है, स्पीड बहुत बढ़िया है। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइज दैट इफ़ यू कैन तो आप लगवा लीजिए, और अपने एरिया वालों को रिकमेंड करिए कि वो जियो फाइबर लगवाएं, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था गाइज। तो आज की वीडियो में यही था गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।